हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज पुनीत एंड आज हम बात करने वाला है यूट्यूब के मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक की, जो है हाउ डू वी गेन सब्सक्राइबर्स फास्ट। तो जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा कि मैं काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर करने वाला हूँ और काफी जो मिसकनसेप्शन फैली हुई हैं यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स गेन करने के बारे में, उसको भी दूर करने वाला हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग बिल्कुल नए हैं इस चीज में, जो बिल्कुल ही बिगिनर, जिनको कुछ नॉलेज नहीं है कि इस चीज में मैं, तो पहले तो थोड़ा सा उनके लिए एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स होते क्या हैं और हमें मिलते कैसे हैं नॉर्मली। तो सब्सक्राइबर्स वो लोग होते हैं जो आपकी वीडियो देख के आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, एक तरह आपके चैनल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं अगर हम उसके कॉन्टेंट के बारे में अप टू डेट रहना चाहते हैं। और उसके बाद आता है उसके साथ का बेल आइकन। बेल आइकन का काम ये होता है कि जब भी अगर किसी पर्सन ने चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उसका बेल आइकन को भी प्रेस किया है, तो उसके बाद वो चैनल जब भी कोई वीडियो अपलोड करता है तो उस यूजर को उसकी नोटिफिकेशन मिलती है बकायदा मोबाइल में और कंप्यूटर में कि इस पर्सन ने, इस चैनल ने वीडियो अपलोड किया है ये वाला, तो आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि हमें सब्सक्राइबर्स चाहिए क्यों। तो पहले मैं बिगिनर्स की एक मिसकंसेप्शन दूर कर दूं कि यूट्यूब हमें सब्सक्राइबर्स के पैसे नहीं देता है, यूट्यूब हमें लाइक्स के पैसे भी नहीं देता है, तीसरा यूट्यूब हमें कमेंट्स के पैसे भी नहीं देता है और डिसलाइक्स के कोई पैसे काटता भी नहीं है। तो अब कई लोग सोचते हैं कि जब हमें सब्सक्राइबर्स के कोई पैसे ही नहीं मिल रहे तो हम फिर सब्सक्राइबर्स बढ़े ना बढ़े क्या फर्क पड़ रहा है। गाइस यही आप लोग गलत हो। यूट्यूब पे एक अच्छा कैरियर बनाने के लिए, एक चैनल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ग्रोथ देने के लिए व्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। व्यूज सेकेंड नंबर पे आते हैं, फर्स्ट नंबर पे आते हैं सब्सक्राइबर्स। आपके चैनल को चलाना ना चलाना आपके सब्सक्राइबर्स के हाथ में है। अब मैं आपको बताता हूँ सब्सक्राइबर एक्चुअली जरूरी क्यों है। हमें सब्सक्राइबर से पैसे नहीं मिलते, हमें मिलते हैं पैसे बेसिकली हमारी वीडियो पे ऐड आने की। ऐड उतनी ज्यादा बार आएगी जितनी बार हमारी वीडियो प्ले होगी, मतलब नंबर ऑफ व्यूज पे ऐड डिपेंड करती है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ व्यूज उतनी ज्यादा नंबर ऑफ एड्स और उतने ज्यादा पैसे। अब नंबर ऑफ व्यूज के लिए सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप बिल्कुल एक बिगिनर चैनल हो, आपने कोई वीडियो पोस्ट की, कौन देखेगा, किसको पता है। इतने बड़े यूट्यूब में हर घंटे हजारों घंटे का कंटेंट अपलोड हो रहा है, तो पता है एक छोटे से चैनल पे एक वीडियो आई है, नहीं पता ना। अब वही वीडियो अगर कोई बड़ा चैनल अपलोड करे तो उसके एक घंटे दो घंटे में ही 1 लाख व्यूज हो जाते हैं, तो वो वीडियो ऑटोमेटिकली सर्च में भी आती है, सजेस्टेड वीडियोज में भी आती है, रिकमेंडेड वीडियोज में भी आती है, तो ऑटोमेटिकली उसके व्यूज और ज्यादा बढ़ते रहेंगे। तो वो काम करते हैं सब्सक्राइबर्स, बिकॉज अगर आपके पास एक रेडीमेड बेस है, अगर आपके पास 10,000 लोग हैं जिनके पास नोटिफिकेशन जाएगी आपकी वीडियो की, उस 10,000 से कम 2,000-3,000 लोग तो देखेंगे ना, तो मतलब वीडियो अपलोड होते ही इंस्टेंटली आपकी वीडियो पे 2-3 हजार व्यूज तो आ जाएंगे। और उसके बाद एक बात याद रखना, जब भी आप कोई वीडियो ढूंढते हो आप क्या देखते हो, आपने कुछ सर्च किया, कोई भी रेसिपी सर्च की, अब आपके पास 10 रिजल्ट आए, उसमें से जो सबसे ज्यादा व्यूज वाला होता है वही आप प्ले करते हो ना सबसे पहले, चाहे उसमें कुछ कंटेंट ना हो, रद्दी हो, आप सबसे पहले उसी को प्ले करोगे, बजाय कि जिस पर 10 या 20 व्यूज हो उसको तो नहीं करोगे ना। ये एक मेंटेलिटी है, सबकी मेंटेलिटी है, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, सबकी मेंटेलिटी है कि सब ऐसे करते हैं, जिस वीडियो पे हायर व्यूज है तो एक हमारे दिमाग में लगता है कि ये वीडियो में कंटेंट ज्यादा अच्छा होगा। तो उस चीज के लिए हमें सब्सक्राइबर्स बेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, क्योंकि अगर सब्सक्राइबर होंगे तो हमें इंस्टेंट व्यूज मिल सकते हैं उस चीज से। गाइस आप ये चीज ध्यान रखो, बिना सब्सक्राइबर के उतने व्यूज लाना बहुत टाइम का काम होता है, और सब्सक्राइबर के साथ उतने व्यूज लाना बहुत इजिली अचीव हो जाता है। तो व्यूज की बजाय फोकस करो सब्सक्राइबर्स पे, अगर आप अपना चैनल लॉन्ग टर्म के लिए चलाना चाहते हो। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए चलाना चाहते हैं वो तो व्यूज पे फोकस कर सकते हैं। व्यूज बढ़ाने के गाइस मेरे पास 10 तरीके हैं, इलीगल लीगल दोनों, और वो काम करते हैं बेसिकली, बट सब्सक्राइबर्स हैं जो वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास सब्सक्राइबर बेस बहुत अच्छा है, आपको कोई व्यूज बढ़ाने का मेथड नहीं ढूंढना पड़ेगा या नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज जो सब्सक्राइबर्स आपके हैं वो ऑटोमेटिकली इतने व्यूज आपके दिलवा देंगे। आप एक बिगनर हैं तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाओ, क्यों, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखें और आपको व्यूज मिले और साथ में सब्सक्राइबर गेन हो। बट अब यही एक कोई बहुत बड़ा चैनल है, ठीक है, उसको कभी आपने देखा है कि वो ऐसे सोच समझ के वीडियो बनाता है, वो कुछ भी बनाए, कुछ भी बनाए, वो चाहे अपने आप को खाना खाते हुए दिखा दें, वो वीडियो भी पॉपुलर हो जाती है। क्यों, बिकॉज उनके पास देखने के लिए ऑडियंस है।
यही ऑडियंस बनानी जरूरी है। और आज इसी चीज के बारे में मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ। बिकॉज यूट्यूब पे ना मैंने देखा बहुत गंद फैला हुआ है इस चीज को लेके कि हाउ टू गो सब्सक्राइबर फास्ट, ये वो। अब बात करते हैं कि सब्सक्राइबर्स मिलते कैसे हैं। गाइस सब्सक्राइबर मिलते कैसे हैं, ऐसे ही मिलते हैं ना। अगर आपकी वीडियो कोई पर्सन देखेगा उसको अच्छी लगेगी वो सब्सक्राइब करेगा आपका चैनल। सिंपल सिंपल सा फंडा है, इसमें क्या ट्रिक है। बट ये टॉपिक एक्चुअली शुरू यहीं से होता है। तो बात करते हैं, अगर एक नया यूट्यूबर है उसको कुछ नहीं पता कैसे क्या काम करता है, अब उसने चैनल बनाया, अब वो सोचेगा कि सब्सक्राइबर और व्यू कैसे लाऊं, तो वो क्या करेगा। रुक जाओ रुक जाओ गाइस, जो लोग भी ये देख के सोच रहे हैं कि सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, सो बहुत बड़ी गलत फहमी में हो गाइस, बाहर निकल जाओ उससे। क्योंकि ऐसे देख के तो सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते, व्यूज बढ़ जाते हैं, बिना मेहनत के भी व्यूज बढ़ जाते हैं, पर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एंड अब बहुत होगी फालतू की बात है, मेन बात करते हैं। देखो यूट्यूब पर बहुत वीडियोज मिल जाएंगे आपको कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, ये बढ़ाएं वो बढ़ाएं, किसी उसमें सब मैं घुमा फिरा के आपको एक ही चीज बता रखी होगी। बताने को मैं भी वही बता सकता था, मेरा क्या जा रहा है, व्यूज मुझे भी मिल जाने थे, बट नहीं। जो चीज गलत है वो मैं आप लोगों को क्यों गाइड करूं। तो घुमा फिरा के सब यही कहते हैं कि ये वेबसाइट है, इस पे जाओ, इतने पैसे दो, ये आपको सब्सक्राइबर प्रोवाइड कर देंगे। हाँ वो कर भी देते हैं, मैं नहीं कह रहा वो नहीं करते, करते हैं वो। बट अब आप एक बात सोचो, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दी थी ना, सब्सक्राइबर्स क्यों जरूरी है हमारे चैनल की, वो इसीलिए दी थी मैंने। बिकॉज अब आप देखो वो सब्सक्राइबर्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपने पैसे स्पेंड किए, आप बहुत अमीर थे, आपने खुला खर्चा किया, आपने सब्सक्राइबर खरीद लिया, आपने 1 लाख सब्सक्राइबर खरीद लिया डायरेक्ट। अब आप सोचोगे मैं वीडियो डालूंगा तो ट्रेंड ही जाएगी, नहीं। आपको पता है वो वेबसाइट सब्सक्राइबर कैसे प्रोवाइड करती हैं, नहीं पता, मैं बताता हूँ। उनके पास होते हैं प्री एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जिनको बोलते हैं नॉर्मल भाषा में बॉट्स, मतलब वो प्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको एक काम के पीछे लगा देते हैं कोड लिख के, वो लूप में वो कोड रिपीट होता रहता है। उसमें वो क्या करते हैं, उसमें हजारों फेक आईडी पासवर्ड्स डाले होते हैं उन्होंने अकाउंट्स के, जीमेल अकाउंट्स के, जो फेक क्रिएट करी होते हैं डमी आईडीज। अब आप में से किसी ने उनको ऑर्डर दिया कि मुझे 100 सब्सक्राइबर चाहिए, तो वो क्या करेंगे उसमें नंबर ऑफ सब्सक्राइबर में 100 प्रेस करके एंटर मार देंगे, बस उन्होंने ये करना है। और हर 1 मिनट में 2 मिनट में एक आईडी से वो सॉफ्टवेयर आपको सब्सक्राइब करता रहेगा, बस खत्म। वो सिर्फ शो के लिए सब्सक्राइबर्स होते हैं। वो आप कभी वीडियो अपलोड करोगे उन अकाउंट से आपको कोई व्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि वो रियल है ही नहीं, वो डिसएक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं। आपके अकाउंट को चाहिए होते हैं एक्टिव सब्सक्राइबर्स, अगर आप उसको ग्रो करना चाहते हो, ये फर्क समझो गाइस। और एक्टिव सब्सक्राइबर सिर्फ मेहनत से ही मिल सकते हैं। मेरे पास भी कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा ये काम करो और 1 घंटे में देखो आपके सब्सक्राइबर्स कैसे आते हैं, ऐसा कुछ तो मेरे पास भी नहीं है गाइस। मैं आपको सिंपल सी ट्रिक्स बता रहा हूँ, एक्चुअली ट्रिक्स भी नहीं है, मेहनत ही है कि आपको इस चीज में मेहनत करनी है ताकि आप अपने सब्सक्राइबर को ग्रो कर पाओ। देखो गाइस आप जबरदस्ती किसी से सब्सक्राइब नहीं करवा सकते, अगर उसको आपका कंटेंट पसंद नहीं आया तो नहीं आया, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते सब्सक्राइब करने के लिए। हाँ जिसको पसंद आया है आप उसको फोर्स कर सकते हो कि अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, तो यही आपको करना है। आप अपनी वीडियो में लास्ट में या स्टार्टिंग में, मोस्ट प्रोबेबली स्टार्टिंग में ही डालिए आपकी वीडियो पर्सन को पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बिकॉज इससे होगा क्या कि अगर उस पर्सन को आपकी पसंद आई है और आपने बोला तो उसके दिमाग में आएगा कि हाँ चलो कर लेते हैं। अगर आप लास्ट में बोलोगे तो मोस्ट ऑफ द पर्सन तो लास्ट तक वीडियो देखते ही नहीं है, ठीक है। तो एक मेथड तो हुआ ये, आपको अपनी हर वीडियो में हैबिट बना लो कि और ये यूट्यूब खुद सजेस्ट भी करता है, आप ये हैबिट बना लो अपनी हर वीडियो में कि आपने हर वीडियो में अपनी बोलना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। तो इससे अगर 100 लोग आपकी वीडियो देखेंगे तो चांसेस हैं कि उसमें से 20 तो सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे। तो ये एक हैबिट सी बना लो अपनी हर वीडियो में बोलने की सब्सक्राइब करने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली स्टार्टिंग में रखो तो ज्यादा बेटर है, उससे ज्यादा थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। सेकेंड मेथड गाइज, जो आप कंटेंट बना रहे हैं उसको थोड़ा ऐसा यूजर फ्रेंडली बनाइए ताकि लोग ना उसमें अपनी पर्सनल टच ढूंढें। अगर आप यूजर से पर्सनली इंटरेक्ट हो गए ना, मतलब कि उनको एक पर्सनल सी फीलिंग आ गई, उनको ऐसा लगा कि हाँ ये तो कोई अपना बंदा है जो वीडियो बना रहा है हमारे लिए काम कर रहा है, तो
तो डेफिनेटली सब्सक्राइबर्स की तो लाइन लगने वाली है। तो एक अगर पर्सनल अटैचमेंट हो गई ना अपने सब्सक्राइबर से तो ढेर लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वीडियो में। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सब्सक्राइबर गेन करने का, जो कि सारे बड़े यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं, यही यूज़ करते हैं ट्रिक, सबसे बड़ी ट्रिक होती है जो कलेबोरेशंस। गाइस कलेबोरेशंस सिर्फ और सिर्फ इसीलिए करी जाती हैं ताकि अपना सब्सक्राइबर बेस बढ़े, और कोई रीज़न नहीं होता है कोलैबोरेशन करने का, बिल्कुल भी रीज़न नहीं होता है कोई सब्सक्राइबर गेन करने के अलावा। कोलैबोरेशन का क्या मतलब होता है, दो यूट्यूबर्स नॉर्मली अपने लेवल के चैनल्स के करते क्या है, वो दोनों साथ में एक वीडियो करते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, या कोई इंटरव्यू हो गई या कोई व्लॉग हो गया, कुछ भी हो गया, तो उससे क्या होता है वो दोनों के चैनल पे वो वीडियो पोस्ट होती है, और उन मान लीजिए उन दोनों के पास 5-5 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो वीडियो उन दोनों के 5-5 हज़ार सब्सक्राइबर्स ने देखी, तो अब चांसेस है कि दूसरे वाले पर्सन के कुछ 5 हज़ार में से कुछ पहले वाले को भी सब्सक्राइब करें, और पहले वाले के सब्सक्राइबर में से कुछ दूसरे वाले को सब्सक्राइब करें, तो ये एक तरह का शेयरिंग होता है सब्सक्राइबर्स का। कोलैबोरेशन कोलैबोरेशन बेस्ट मेथड है अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, बट कोलैबोरेशन में एक चीज का ध्यान रखिए, कोलैबोरेट अपने बराबर के यूट्यूबर के साथ कीजिए। मीन्स अगर आपके चैनल पे अंडर 10,000 व्यूज है तो अंडर 10,000 वाले के साथ ही कोलैबोरेट कीजिए आप। बट कोलैबोरेशन जहां तक मैंने देखा है बहुत ज्यादा काम करती हैं यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने के लिए, जितने बड़े चैनल है ले लीजिए, वर्ल्ड में बात करूं चाहे एंटरटेनमेंट में बात करूं, चाहे आप टेक्निकल गुरु जी ले लीजिए, कितनी कोलैबोरेशंस करते हैं वो, करते हैं ना। और गीकी रंजीत के साथ की थी उन्होंने, फाउंडर वाले के साथ, अमित भवानी के साथ, तो इससे क्या होता है बहुत फर्क पड़ता है सब्सक्राइबर बेस पे। जैसे मैं फाउंडर की बात करूँ, उनके 1,20,000 1,30,000 के करीब सब्सक्राइबर थे कुछ टाइम पहले तक, जब से उन्होंने कोलैबोरेशन स्टार्ट करी है टेक गुरु जी के साथ एंड गीकी रंजीत के साथ, उनके ऑलमोस्ट 2.5 लाख क्रॉस होने वाले हैं सब्सक्राइबर्स। तो ये हुआ कैसे, कोलैबोरेशन की वजह से, क्योंकि उनका चैनल उन लोगों के चैनल पे आया और काफी सब्सक्राइबर्स मिले। तो बेस्ट वे है सब्सक्राइबर गेन करने का कोलैबोरेशन। दूसरा, अपनी हर वीडियो में बोलते रहिए कि सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें, सबको बोलना पड़ता है गाइस, इसमें कोई वो बात नहीं है कि मैं नहीं बोलूंगा, सबको बोलना पड़ता है, बड़े बड़े चैनल तक बोलते हैं। तो और अपना कंटेंट थोड़ा सा पर्सनल टच रखिए कंटेंट में, ताकि यूजर को एक इंटरेक्ट करने में आसानी हो उसके साथ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब तो करो यार, जरूर करो, एंड बिकॉज मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जल्द और लाता रहूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो क्वेरी हो, नीचे कमेंट सेक्शन में #QnA लिख के पोस्ट कर देना, आई विल डेफिनेटली लुक इन टू दैट। एंड दिस इज पुनीत शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, टेक केयर गाइज।